हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील सांगवाल आपका सीएनजे क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 7.3 इंटीग्रेशन ऑफ क्लास 12th। तो इसमें फर्स्ट सम आपके पास है साइन स्क्वेयर 2x प्लस 5 इंटीग्रेट दिस फंक्शन। तो इसमें जो है आप देख रहे हैं कि साइन स्क्वेयर आ रहा है, तो साइन स्क्वेयर के लिए आपके पास कुछ सीधा इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला नहीं है आपके पास। तो आपने करना क्या है कि 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वेयर एक्स, इस फार्मूले का हम इसमें यूज़ करेंगे। इसके साथ ही एक और फार्मूला है जो वो आप नोट कर सकते हैं, 1 प्लस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वेयर एक्स। तो अभी हमने जो है वो फर्स्ट का यूज़ करना है। वी नो, तो अब देखिए कि आई क्या बनेगा फिर, साइन स्क्वेयर को हमने क्या लिखना है, 1 माइनस कॉस 2 टाइम्स, और यहाँ पे साइन ये आपका x रहेगा, फार्मूले का x जो है 2x प्लस 5। तो यहाँ पे आपने इसको ट्वाइस कर देना है। इधर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ट्वाइस है, तो 2 टाइम्स 2x प्लस 5 dx। इसको आप देखिए क्या बनेगा, 1 माइनस कॉस 4x प्लस 10 डी एक्स। हाँ, एक इसमें आप नोट करिए कि इसमें जो है ये 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, तो ये 2 जो है वो आप इसको डिवाइड बाय 2 लगाएंगे, यहाँ डिवाइडेड बाय 2 आएगा, और ये जो है 1/2 जो है वो आप बाहर लिख सकते हैं 1/2, क्योंकि कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ सकते हैं। 1/2 1 माइनस cos 4x प्लस 10 और डी एक्स साइन। अब आपके पास ये दो फंक्शंस हैं, उनका डिफरेंस है, तो इसको आप अलग अलग कर सकते हैं। इंटीग्रेशन 1 dx माइनस इंटीग्रेशन cos 4x प्लस 10 dx। 1 की इंटीग्रेशन x होती है, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो ये आपके पास x रहेगा, और इसकी इंटीग्रेशन जो है वो हम अलग से करते हैं, -cos 4x प्लस 10 इंटू डी एक्स। अभी आप इसको मार्क कर लीजिए, तो cos 4x प्लस 10 dx ये हमने इंटीग्रेट करना है। लेट दिस इज इक्वल टू वाई। तो अभी आपने क्या करना है, 4x प्लस 10 को आपने पुट करना है, पुट 4x प्लस 10 इज इक्वल टू से टी, डिफ्रेंशिएट करिए, 4 dx इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, x का डिफरेंशियल जो है वो dx हो जाएगा, 10 का 0, और t का जो है वो dt हो जाएगा आपके पास। तो इसका मतलब dx जो है वो फिर क्या होगा, 1/4 dt होगा, ठीक है। तो ये आप वैल्यूज, ये और ये जो दोनों आपने कहाँ पुट कर देनी है, इसके अंदर। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos, ये हमने t लिखा था इसको 4x प्लस 10 को, तो ये यहाँ पे t आ जाएगा, dx की जगह पे 1/4 dt, 1/4 dt, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ ऐसा रहेगा। इसको आप देखिए, इंटीग्रेशन साइन 1/4 आप बाहर ले सकते हैं इंटीग्रेशन से, और आपके पास अंदर रहेगा cos t dt। अब cos की इंटीग्रेशन जो है वो आपको पता है कि साइन होती है, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव cos होता है, तो ये आपके पास आ गया साइन t, और साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, तो 1/4 sin t, साइन 4x प्लस 10, ये आपकी वैल्यू थी t की जो हमने पुट किया था यहाँ पे शुरू में, ठीक है। यहाँ पे ये t जो है वो 4x प्लस 10 था, तो इसी मेथड को हम कहते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। सब्स्टिट्यूट करी थी हमने वैल्यू 4x प्लस 10 को, t पुट किया था हमने जो सब्स्टिट्यूट किया था। तो देयरफॉर I इज इक्वल टू, अब आपके पास 2 क्या बनेगा, ये देखिए, ये यहाँ पे ये जो है आपके पास I चल रहा था, तो ये फिर क्या बनेगा, तो
आई इज इक्वल टू हाफ ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रेशन 1/4 साइन 4x प्लस 10 और प्लस सी। तो ये आप यहाँ पे लगा सकते हैं, तो ये सी और ये सी अलग अलग रहेंगे। आपने इसको यहाँ सी जो है वो इसको आप मत लगाइए यहाँ पे, ठीक है, ये सी आप रहने दीजिए यहाँ पे। डायरेक्ट आप फाइनल आंसर के अंदर एक सी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो है वो इंटीग्रेशन में इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है, तो ये करने के बाद आपके पास ये रहेगा। तो यही आपका सम है। नेक्स्ट सम पे आते हैं, साइन 3x कॉस 4x, साइन 3x कॉस 4x। तो मान लीजिए ये आपके पास आई है, सेकंड सम है ये। तो साइन, अब ऐसा कोई फॉर्मूला आप ढूंढिए जिसमें इस प्रोडक्ट को हम प्लस में लिख सकें, दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के प्लस में लिख सकें, तो ऐसा कौन सा हो सकता है? तो आप देखिए, साइन ए प्लस बी क्या होता है? तो ये आपने 11th में पढ़ा है कि ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है। इसी तरीके से साइन ए माइनस बी क्या होगा आपके पास? साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये अपने फार्मूला पढ़े हुए हैं लास्ट ईयर। अब आप इनको ऐड करोगे तो ये और ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये 2 times हो जाएगी, ठीक है। तो एडिंग वी गेट क्या आएगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, क्या बना आपके पास, 2 times साइन ए कॉस बी आ गया जी आपके पास। क्लियर है ये? एक बार आप इसको अच्छे से देख लीजिए कैसे हो गया। और आप एक चीज़ और करिए कि आप इनको सब्ट्रैक्ट करके भी देखिए क्या आता है, ठीक है। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे आपस में, और ये माइनस वाला जो है वो प्लस हो जाएगा, तो 2 times कॉस ए साइन बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो आई अब क्या होगा फिर, आई इज इक्वल टू देयरफॉर, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो 2 आ रहा है फार्मूला के अंदर, यहाँ 2 नहीं है, तो इसका मतलब क्या करें हम, इस आई को हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ 2 times साइन 3x कॉस 4x dx, ठीक है। क्या किया हमने, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो नेट रिजल्ट कोई फ़र्क नहीं पड़ा आपके, आई जो है वो वहीं रहा। तो हाफ ऑफ, अब ये आपका फार्मूला जो है वो हमने ऊपर लिखा है ये वाला, तो इसके जैसा है। तो आप इसमें देखिए कि ए कितना है और बी कितना है, तो ए जो देख रहे हो आप, ए जो है वो आपका ये ए है और ये वाला पार्ट जो है वो बी है, ठीक है। तो इसमें फार्मूला के अंदर आपने इस तरीके से लेफ्ट में लिखना है, तो वो आपका यहाँ आएगा साइन ए प्लस बी 3 + 4 7x प्लस साइन ए माइनस बी 3 - 4, 3 - 4 जो होता है वो माइनस एक्स होता है, ठीक है, डी एक्स। तो आपके पास ये ऐसा रहेगा, दैट इज अगेन इक्वल टू हाफ इंटीग्रेशन, अलग अलग कर दीजिए, इंटीग्रेशन साइन 7x dx प्लस, अब ये जो है साइन ऑफ माइनस एक्स जो होता है वो माइनस साइन एक्स होता है, तो ये आपका माइनस साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा, 1/2 साइन 7x, साइन 7x आपके पास, साइन की इंटीग्रेशन किस क्या होती है आपके पास, माइनस कॉस 7x डिवाइडेड बाय 7 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1। अब 1 जो है वो आपका यहाँ इसका x का कोफिशियंट था, ये नहीं लिखो तो भी चलेगा,
ये ब्रैकेट क्लोज करिए, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी लिखिए। इसके बाद आपके पास हाफ माइनस कॉस 7x डिवाइडेड बाई 7, ये माइनस और ये माइनस आपके प्लस हो जाएंगे, प्लस कॉस एक्स प्लस सी, तो ये आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट सम पे आते हैं। कॉस 2x, कॉस 4x, कॉस 6x, कॉस 2x, कॉस 4x, कॉस 6x, इंटीग्रेट करिए आप इसे। तो अभी हमने फॉर्मूला जो पढ़ा था, साइन 2 साइन ए कॉस बी के लिए फॉर्मूला पढ़ा था, जो कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी होता है। इसी तरीके से आपके पास कॉस ए कॉस बी, 2 कॉस ए कॉस बी के लिए फॉर्मूला है, 2 कॉस ए कॉस बी, इसके लिए फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला रहेगा आपके पास, और 2 साइन ए साइन बी अगर कहीं आता है, और कहीं यहाँ पे इसका यूज़ नहीं है, अगर कहीं और कहीं आता है तो वो भी आप फॉर्मूला नोट कर लीजिए। तो वो फॉर्मूला आपका रहेगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। इसमें आप ये ध्यान रखिए कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपके पास माइनस है और एक माइनस जो है वो यहाँ पे है, ठीक है। पहले माइनस आता है इसमें, अगर यहाँ पे पहले आप प्लस करते हैं यहाँ माइनस करते हैं, तो यहाँ पे एक माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा। फिर आप इनको वेरीफाई कर लीजिए ये फार्मूला सही है कि नहीं है। तो अभी हमने फर्स्ट फार्मूले का यूज करना है, नंबर 1। तो आई को हम क्या लिखेंगे, आई इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2 कॉस 2x इंटू कॉस 4x, ये आपने इकट्ठा कर लेना है, इंटू कॉस 6x डी एक्स, ये आपके पास रहेगा। तो अब पहले दो जो लिखे हमने, इसके ऊपर वो फॉर्मूला लगाइए आप 2 कॉस ए कॉस बी का। तो हाफ इंटू इंटीग्रेशन कॉस ए प्लस बी, ए प्लस बी 2 प्लस 4, ये आपका 4 था, थोड़ा ठीक कर देते हैं इसे, ये 4 है यहाँ पे। तो 2 प्लस 4 जो है वो 6 हो जाएगा, प्लस कॉस 2 माइनस 4, तो वो माइनस 2x हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ कॉस 6x डी एक्स, ये मल्टीप्लाई आप कर दीजिए इसको। और एक चीज़ इससे पहले कि ये देखिए कि कॉस माइनस 2x जो होता है वो कॉस 2x ही होता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, ये भी आपने याद रखना है। इंटीग्रेशन कॉस 6x इंटू कॉस 6x, ये और ये मल्टीप्लाई आप ब्रैकेट को खोलोगे तो कॉस इंटू ये हो जाएगा, तो ये कॉस स्क्वेयर हो जाएगा। आगे आपके पास प्लस कॉस 2x कॉस 6x डी एक्स, ठीक है। ये आपका माइनस साइन जो है वो बाहर नहीं आएगा, ध्यान रखना, आपने कॉस में से बाहर नहीं आएगा, साइन में से बाहर आ जाता है, टेंजेंट में से आ जाता है, कॉस में से नहीं आता है। फॉर्मूला क्या था, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट ये ब्रैकेट एक आप लगा लीजिए, हाफ ऑफ इंटीग्रेशन, अब कॉस स्क्वेयर 6x को आप कैसे लिख सकते हैं, तो ये आपके पास 1 प्लस कॉस ट्वाइस ऑफ द एंगल, ट्वाइस ऑफ एंगल 6x है, तो यहाँ पे आ जाएगा 12x डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपकी वैल्यू है कॉस स्क्वेयर 6x की। ये कौन सा फॉर्मूला था, तो ये आपके पास 1 प्लस कॉस 2a का फॉर्मूला है, मैं मेंशन कर देता हूँ अभी नीचे, प्लस
कॉस 2x और कॉस 6x, तो आप इसको क्या करें, हाफ इंटू टू लिख लीजिए, ये आप इसको अलग कर दीजिए, उसको अलग कर दीजिए, ये इंटीग्रेशन आप अलग करिए, प्लस हाफ, ये तो 12 आपका कॉमन गया ही हुआ है, एक हाफ ओवर हो जाएगा इंटीग्रेशन, और पापा, टू टाइम्स आपका तो सरप्राइज 1/2 इंटू टू कॉस 2x कॉस 6x, आप इसको ऐसा लिखेंगे, और ये ब्रैकेट जो है वो, ये बार वाली ब्रैकेट जो है वो यहाँ पे क्लोज हो जाएगी। अब आप देखिए इसको क्या करते हैं हम, हाफ इंटू इंटीग्रेशन, अब इसको आप 1/2 dx अलग से कर सकते हैं, 1/2 dx इंटीग्रेशन प्लस कॉस 12x/2, तो ये आपका हाफ इंटीग्रेशन कॉस 12x dx, प्लस अब इधर देखते हैं ये क्या चीज़ है, इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, अभी जो हमने ऊपर मेंशन किया था, तो हाफ इंटीग्रेशन कॉस दोनों का सम, तो 2x प्लस 6x तो 8x, प्लस कॉस 2x माइनस 6x तो वो आपके पास -4x हो जाएगा, इन दोनों का सम और साथ में dx, और ये होल ब्रैकेट क्लोज, हाफ डी एक्स की इंटीग्रेशन जो है वो 1/2x हो जाएगी, प्लस 1/2 कॉस की इंटीग्रेशन जो है वो साइन में चली जाएगी, साइन 12x डिवाइडेड बाय 12, प्लस हाफ कॉस की इंटीग्रेशन फिर साइन में, तो साइन 8x डिवाइडेड बाय 8, और कॉस ऑफ -4x जो है वो कॉस 4x की इक्वल होता है, तो ये कॉस 4x ही काउंट करिए आप यहाँ पे, तो प्लस कॉस साइन आएगा, साइन 4x डिवाइडेड बाई 4, और ये ब्रैकेट क्लोज, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, सिंप्लीफाई थोड़ा कर लीजिए इसको, एंड दैट विल बी द आंसर, दैट इज अगेन इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2 1/4x प्लस 1/2 इंटू 1/2 1/4, और 1/4 को आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/48 साइन 12x प्लस 1/2 इंटू 1/2 1/4, और 1/4 को आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे और ये आपके पास साइन 8x है, और 1/4 को आपने इस 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1/4 इंटू 4 साइन 4x, ठीक है, प्लस सी, तो एक बार फिर लिख लीजिए, 1/4x प्लस साइन 12x अपॉन 48 प्लस 1/32 साइन 8x प्लस 1/16 साइन 4x प्लस सी, एंड दैट इज द आंसर। नेक्स्ट, साइन क्यूब 2x प्लस 1, साइन क्यूब 2x प्लस 1 इसको कहता है, इंटीग्रेट करिए, लेट दिस इज इक्वल टू आई, ये आपका थर्ड सम है एक्सरसाइज 7.3 का। अब साइन क्यूब जो है वो आप कैसे लिख सकते हैं, तो साइन क्यूब के लिए आपके पास एक फॉर्मूला है साइन 3 का, साइन 3a क्या होता है, तो 3 साइन 3a इज 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, ये आप फार्मूला नोट करिए। इसी तरीके से कॉस का फार्मूला है, कॉस 3a इज इक्वल टू 4 कॉस क्यूब a माइनस 3 कॉस a, ठीक है, ये दो फार्मूला जो है वो आपने और याद करने हैं, अच्छे से इनको मन में बिठा लेना है कि कौन सा कैसे होता है, दो चार बार आप लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो इतने में ये आपके मन में बैठ जाएंगे। तो अभी हमारे पास साइन क्यूब आ रहा है, आप देख रहे हैं साइन क्यूब है, तो साइन क्यूब जो है वो इस फॉर्मूला के अंदर भी साइन क्यूब है, इस फॉर्मूला में भी साइन क्यूब है, तो साइन क्यूब को जो है वो आप यहाँ से लिख सकते हैं इसमें से, तो साइन क्यूब फिर क्या होगा, साइन क्यूब ए इज इक्वल टू साइन 3a माइनस 3 साइन a
और इसका 1/4, ठीक है, इससे आप ये लिख सकते हैं, ठीक है, ये फॉर्मूला अगर आपको याद होंगे तो ही आप ये लिख पाएंगे। तो इसको अब वापस आप उठा के इसका यूज़ यहाँ पे करना है, अब अपने आई के अंदर। तो आई इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/4 साइन, अब देखिए ए क्या है, ए जो है वो आपका 2x+ ए जो है वो ए है ये, तो ए की जगह पे आपने क्या लिखना है, 2x+1 लिखना है, -3 साइन ए, ए फिर आपका 2x+1 है, dx दैट इज अगेन इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन 1/4 साइन 6x+3 dx माइनस, और ये 1/4 जो है वो सारे का 1/4 है ये, ठीक है। तो आपने जो है वो ब्रैकेट एक और लगानी पड़ेगी आपको, यहाँ लगेगी वो, तो 1/4 ये यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, तो 3/4 हो जाएगा ये, 3/4 इंटीग्रेशन साइन 2x+1 dx, तो ये आपके पास हो जाएगा 1/4 साइन की इंटीग्रेशन जो है वो -cos x है, तो -cos 6x+3 और डिवाइडेड बाई 6, x का कोफिशियंट जो है वो नीचे लगाना है आपने, -3/4 साइन की इंटीग्रेशन फिर -cos, तो ये आपके पास 2x+1/2 +c दैट इज अगेन इक्वल टू -4/6, -1/24, 6 × 4 = 24, cos 6x+3 हो जाएगा, और ये माइनस और ये माइनस मिलके आपके पास प्लस हो जाएंगे, 3/8, 3/8 cos 2x+1 +c, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ये इंटीग्रेशन हो गई है जी, साइन क्यूब 2x+1 की इंटीग्रेशन ये है आपके पास। अगला सम, साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स, साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स कहते हैं इसको, इंटीग्रेट करना है हमने, लेट आई इज इक्वल टू दिस, ये आपका सम है, फिफ्थ सम है ये। तो अभी हमने फॉर्मूले जो है वो पढ़े थे, कौन कौन से थे अभी हम देख लेते हैं, cos 3a और sin 3a। तो अभी आप देखिए इससे हमने साइन क्यूब ए को कैसे लिखा था, तो इसी से कॉस क्यूब ए भी लिख सकते हैं यहाँ से, तो कॉस क्यूब ए इज इक्वल टू 3 cos 3a + 3 cos a / 4, तो ये आपके पास फॉर्मूला जो है वो रहेगा। तो एक फॉर्मूला ये है, इसको हम ले चलते हैं आगे, साइन ए का फॉर्मूला भी आप देख लीजिए, साइन क्यूब ए इज इक्वल टू 1/4 क्या था, 3 sin a, 1/4 sin 3 a -3 sin a, sin 3 a -3 sin a, ये आपके पास दो फार्मूला थे जी। तो अब आपने इनका यूज करना है, तो आई आपके पास क्या बनेगा, देखिए आई इज इक्वल टू कॉस क्यूब को आपने ये लिखना है और साइन क्यूब को आपने ये लिखना है, तो 1/4 sin 3a 3x - 3 sin x, ए की जगह पे एक्स है यहाँ पे, आप देखिए एक ए की जगह पे एक्स है, तो इनटू कॉस, अब कॉस क्यूब की वैल्यू जो है वो cos x + 3 cos
यहाँ पे आपके पास कॉस 3 ए आना चाहिए, कॉस 3 ए, कॉस 3 एक्स चेक कर लीजिए आप पीछे। तो कॉस 3 ए जो है, कॉस 3 ए प्लस 3 cos A डिवाइडेड बाई 4, तो ये आपके पास कॉस क्यूब रहेगा। यहाँ से कॉस 3 ए प्लस 3 cos A डिवाइडेड बाई 4, यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू कॉस क्यूब ए। ठीक है, तो इसमें कॉस 3 ए जो है वो आ रहा है आपके, यहाँ पे नोट करिए आप, तो यहाँ पे 3 cos 3 आएगा, कॉस 3 एक्स प्लस 3 cos x और डिवाइडेड बाई 4, तो 1/4 dx ये आपके पास बन गया अब तक। 1/4 × 1/4 1/16 होता है, ठीक है, 1/16 इंटीग्रेशन साइन 3 एक्स माइनस 3 sin x इंटू कॉस 3 एक्स प्लस 3 cos x दैट इज इक्वल टू 1/16 इंटीग्रेशन साइन। अब आप इनको ब्रैकेट्स को खोलेंगे तो आप ये आपका इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, साइन 3 एक्स कॉस 3 एक्स और इसके बाद साइन 3 एक्स को 3 cos x से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस साइन 3 एक्स cos x और एक 3 जो है वो यहाँ से आ गया आपके पास। पहले आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो ये बनेगा, फिर उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस प्लस नहीं है, माइनस आएगा आपके पास क्योंकि यहाँ पे माइनस है, माइनस 3 sin x cos³x और फिर इसके बाद -3 sin x प्लस 3 cos x, तो माइनस और माइनस आपके पास प्लस हो जाएंगे जी, प्लस प्लस नहीं माइनस ही रहेंगे जी, सॉरी, तो -3 और 3 9 sin x इंटू कॉस एक्स dx, ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी जो यहाँ हमने स्टार्ट करी थी, यहाँ क्लोज कर दी हमने। तो इसको हम देखते हैं आगे क्या बन सकता है, ये 1/16 इंटीग्रेशन। अब देखिए ये दोनों ही जो है वो इक्वल है, 3x 3x है दोनों तरफ, साइन के साथ भी और कॉस के साथ भी, तो ये एक फार्मूला है आपके पास, यहाँ लिख देता हूँ मैं, sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a कॉस ए। तो मतलब आपके पास जब साइन ए कॉस ए जैसा हो, एक जैसे एंगल हो साइन और कॉस के साथ, तो आपने इसको sin 2a की फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 2। तो इसको आप sin 6x डिवाइडेड बाय 2 लिख सकते हैं आप इसको, प्लस इधर sin 3x कॉस एक्स। अब ये आपका फॉर्मूला जो था 1/2 × 2 वो 2 sin a cos b वाला फॉर्मूला देखिए 2 sin a cos b के लिए क्या फॉर्मूला था, दैट इज इक्वल टू sin a + b प्लस sin a - b, ये आपके पास फॉर्मूला था, तो ये आप इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो 1/2 ये 3 पहले से लगा हुआ है, तो ये 3/2 हो जाएगा, 3/2 और sin³x तो दोनों का सम आएगा पहले, यहाँ पे देखिए दोनों का जोड़ है, तो 3 और 1 जो है वो आपका 4 हो जाएगा, तो sin⁴x प्लस sin सब्ट्रैक्शन 3 - 1 तो वो 2x हो जाएगा माइनस। अब इसी तरीके से यहाँ पे भी यही फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, -3/2 साइन एंगल का सम 3 + 1 4x और क्या ये कैंसिल नहीं हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहे हैं, कैंसिल तो नहीं हो रहे हैं, और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो x - 3x तो वो आपका
प्लस साइन माइनस टू एक्स, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री जो है वो माइनस टू हो जाएगा आपके पास, फिर डी एक्स आ जाएगा यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर। अभी देखिए दैट इज अगेन इक्वल टू 1/16 इंटीग्रेशन ब्रैकेट के अंदर साइन 6x/2 प्लस 3/2 साइन 4x प्लस 3/2 साइन 2x माइनस 3/2 साइन 4x, और ये आपका माइनस बाहर आएगा यहाँ से, ये यहाँ आएगा, और ये माइनस आपका प्लस हो जाएगा, प्लस 3/2 साइन 2x डी एक्स। अब आप देखिए कि 3/2 साइन 4x ये और ये जो है वो कैंसिल हो जाएगा, दैट इज अगेन इक्वल टू 1/16 साइन 6x/2 3/2 प्लस 3/2, तो ये आपका 3 हो जाएगा, प्लस 3 साइन 2x डी एक्स, तो ये आपके पास बना। इसको आप 1/16 साइन 6x जो है उसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए, तो इसकी इंटीग्रेशन जो है क्या आएगी आपके पास, कॉस माइनस कॉस 6x डिवाइडेड बाई ये 2, तो ये पहले से ही था, एक 6 जो है वो x का डेरिवेटिव वो और आ जाएगा यहाँ, प्लस माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2, और ये एक 3 जो था वो यहाँ पहले से था, तो ये 3 आपका यहाँ रहेगा, प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज अगेन इक्वल टू 1/16 माइनस कॉस 6x/12 माइनस 3/2 कॉस 2x प्लस सी। ये माइनस आप जो है वो थ्रू आउट कॉमन ले सकते हैं, तो ये माइनस आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है, तो दैट विल बी द आंसर। नेक्स्ट सम साइन एक्स साइन 2x साइन 3x, साइन एक्स साइन 2x साइन 3x इंटीग्रेट, तो अभी आप देखिए कि दो साइन जब आएंगे तो कौन से फार्मूला के अंदर आप इसको प्लस माइनस में कैसे लिख सकते हैं, तो थोड़ा सा मैं आपको याद करवा दूं कि साइन इंटू साइन जो है वो किस फार्मूला में आता है, तो वो आता है आपका कॉस के फार्मूलाज में, जैसे कॉस ए प्लस बी क्या है, देखिए ध्यान से, तो ये था आपके पास कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, इसी तरीके से कॉस ए माइनस बी आपके पास क्या है, तो दैट इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो आपने एक चीज़ नोट करी होगी कि ये कॉस जो है वो प्लस का फॉर्मूला है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस है, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस है, ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि कॉस के फार्मूलाज के अंदर साइन ऑपोजिट होते हैं, ठीक है, तो ये याद कर लेना आपने अच्छे से। तो अभी हम इनको अगर ऐड कर दें तो आपके पास क्या आएगा, और सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या आएगा, आप चेक कर लीजिए, तो कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी को ऐड करते हैं तो आपके पास ये दोनों कैंसिल हो जाती हैं टर्म्स, ये वाली टर्म्स दोनों कैंसिल हो जाती हैं, क्योंकि एक माइनस की एक प्लस की है, और इधर दोनों प्लस की हैं तो ये ऐड हो जाती हैं, तो टू कॉस ए कॉस बी, तो ये आपका फार्मूला रहेगा, कॉस टू कॉस ए कॉस बी है, तो आपने इसको सम और डिफरेंस के सम में लिखना है। इसी तरीके से कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, अब मैंने इनको प्लस माइनस आगे पीछे कर लिए, ये यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, ठीक है, और बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन है, तो आप नीचे वाले में से ऊपर वाला इक्वेशन जो है वो घटा रहे हैं आइडेंटिटी जो है,
तो इसमें से ये कटाएंगे तो आपका ये 0 हो जाएगा क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, और इसमें से ये आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आपके पास 2 साइन ए कॉस सॉरी साइन बी आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले का हम जो है वो इस एक सम में यूज करेंगे। आई इज इक्वल टू साइन 2x इंटू साइन सॉरी साइन 1x इंटू 2x था, ये साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x। तो आप इसको ऐसा लिखिए। अब इसको आपने अभी जो हमने फार्मूला देखा है कि प्रोडक्ट हो, तो आपने इसको कैसे लिखना है, इंटीग्रेशन कॉस ए माइनस बी, तो ए आपका ये है बी ये है, तो ए माइनस एक्स हो गया, 1x माइनस 2x माइनस 1x, माइनस कॉस दोनों का सम 1 प्लस 2 तो 3x हो जाएगा, और साथ में साइन 3x है। इसको आप देखिए कॉस ऑफ माइनस एक्स जो होता है वो कॉस एक्स ही होता है, माइनस कॉस 3x इंटू साइन 3x। अब फिर ब्रैकेट खोलेंगे तो कॉस एक्स इंटू साइन 3x माइनस कॉस, इसको आप अलग से इंटीग्रेशन भी अलग अलग कर दीजिए, माइनस इंटीग्रेशन कॉस 3x साइन 3x dx। अभी हमें एक फॉर्मूला जो था साइन के अंदर आता है, तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, मतलब फॉर्मूला जो है वो है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी क्या होता है, तो दैट इज इक्वल टू 2 cos A sin B। ठीक है, तो आपने ये ध्यान रखना है। तो ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे अब हम, तो देखिए क्या बनेगा, प्रोडक्ट है, एक कॉस है, पहला साइन है, फिर साइन है, पहले कॉस फिर साइन, तो पहले कॉस फिर साइन, तो इसका मतलब कॉस के साथ जो आर्ग्यूमेंट है वो ए है और साइन के साथ है जो वो बी है। तो इसको आप लिखोगे साइन ए प्लस बी 1 + 3 4x माइनस साइन ए माइनस बी, ए आपका ये है बी ये है, तो साइन एक 1 - 3 1 - 3 जो है वो आपका -2 हो गया जी। ठीक है, पहला आपका ऐसा बनेगा, और इसको भी देखिए, हाँ डिवाइड बाय 2, एक डिवाइड बाय 2 भी है ये, तो ये डिवाइड बाय 2 मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसी तरीके से यहाँ भी डिवाइड बाय 2 आ जाएगा, इसको आप 2 आप यहाँ पे ऐसे ऐसे कर सकते हैं आप, ये देखिए ऐसे, और यहाँ पे 1/2 और एक 2 यहाँ पे लगा सकते हैं। तो अब ये फॉर्मूले जैसा ही हो गया है, तो 1/2, इसके लिए अब हम साइन इन दोनों का सम करेंगे, तो 3 + 3 जो है वो 6 हो जाएगा। वैसे भी आप इसको तो एक डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, 2 sin A इंटू कॉस ए, तो वो आपका sin 2A होता है, तो sin 2A जो है वो 6x हो जाएगा, ये सीधा ही है। तो ये कौन सा फॉर्मूला था वो भी लिख देता हूँ मैं, sin 2 sin A cos A इज इक्वल टू sin 2A। ठीक है, तो इसका हमने यूज़ किया है, तो यहाँ पे 2 टाइम्स sin 3x cos 3x, दोनों एंगल सेम है आपके पास, आप देख रहे हैं। ठीक है, तो दोनों एंगल जब सेम हो तो आप इसका ट्वाइस कर सकते हैं साइन के साथ लगा के, तो मतलब sin 2A 6x हो जाएगा, ये 3 का डबल 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपके फार्मूलाज थे, इसको हमने कुछ नहीं कहना है। तो इसके बाद दोबारा वापस वहीं से शुरू हो जाते हैं, 1/2 sin 4x माइनस ये माइनस और ये माइनस, आपका प्लस sin 2x हो जाएगा, माइनस हाफ sin 6x dx, इंटीग्रेट कर दीजिए नेक्स्ट स्टेप पे, हाफ साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस 4x डिवाइडेड बाई 4 प्लस साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2, तो ये तो इनकी इंटीग्रेशन हो गई है,
और इधर जो है साइन की इंटीग्रेशन कॉस माइनस माइनस कॉस 6x डिवाइडेड बाई 6, तो ये आपके पास इंटीग्रेशन है। और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपने लगाना होता है, ये आपको बताया हुआ है, तो इसको आप ठीक कर लीजिए, -1/8 कॉस 4x माइनस कॉस 2x ओवर 4 माइनस, और ये माइनस आपका प्लस हो जाएगा, प्लस कॉस 6x डिवाइडेड बाई 6 प्लस 6 इंटू 2 12, यहाँ पे 12 हो जाएगा, ये यहाँ 12 आ जाएगा, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये आपका सम हो गया। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।